वेलकम बहुत बहुत स्वागत है सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और देखिए ये जो वैकेंसी काफ़ी अलग तरह की वैकेंसी, ये वैकेंसी है भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी भारतीय खेल प्राधिकरण में ये वैकेंसीज हैं। करीब करीब जो है ना 270 या करीब मैं कह सकता हूँ 300 के आसपास टोटल वैकेंसी है। भारत का कोई भी बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी होने वाली है, डिटेल में आपको जानकारी देंगे। तो देखिए इसकी मोटी बात पहले आपको बता दूं, देखिए जिसके पास डिप्लोमा है, ठीक है, और जो पीजी वगैरह के बच्चे हैं, ठीक है, और जो ग्रेजुएट हैं, तो इन लोगों के लिए जो है ना ये वैकेंसीज हो सकती है डिटेल। तो अब इसके और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि ये जो नौकरी है, ये जो है ना आपकी रेगुलर या परमानेंट नौकरी नहीं है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी है। सैलरी थोड़ी सी आपको अच्छी मिलेगी, लेकिन शुरुआत में ये 2 साल, फिर ये 4 साल तक आगे और बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी है आपकी। और अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, ठीक है, और जो है ना स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड पैरामेडिकल स्टाफ की ये भर्ती होने वाली है। आगे बढ़ने की श्रृंखला में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आप जानती हैं इसके बारे में जो है ना ज़्यादा वो नहीं है। अब ये डिटेल में आपको पद बता देता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। एक ये पद एक्सरसाइज साइकोलॉजी, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, ठीक है, मैसेजूस, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, फार्मेसी, नर्सिंग असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल मतलब वो जो सिविल में मैकेनिकल में डिप्लोमा करके रखते हैं वो बच्चे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में आप यहाँ से देख लीजिए। इस पोस्ट के लिए एंथ्रोपोमेट्रिस्ट के लिए आपकी जो वैकेंसीज हैं, ग्रेड 2 के लिए 11, ग्रेड 1 के लिए 12 हैं, और ये प्लेस ऑफ डिप्लॉयमेंट आपकी यहाँ यहाँ नौकरी रहने वाली है, ठीक है। एक्सरसाइज साइकोलॉजिस्ट के लिए आप देख सकते हैं, सॉरी साइकोलॉजिस्ट नहीं, ये फिजियोलॉजिस्ट के लिए है। तो फिजियोलॉजिस्ट के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं ये वैकेंसी हैं, ये ग्रेड की वैकेंसी। सरली मैं आपको नीचे बताऊंगा, इसके लिए आप देख सकते हैं इतनी ये वैकेंसी हैं और ये दो डिपार्टमेंट में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की वैकेंसी हैं। बायोकेमिस्ट के लिए देख सकते हैं आपके लिए यहाँ पटियाला में 2, बेंगलोर में 1, तो ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 की इसकी 1 वैकेंसी, ग्रेड 2 की 2 वैकेंसी है। अब इसके बाद जो है ना फिजियोलॉजिस्ट के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं नीचे, ये फिजियोलॉजिस्ट हो गए, तो इनके लिए पटियाला में 2, बेंगलोर में 2, टोटल 4 वैकेंसी है। बायोकेमिस्ट के लिए ये वैकेंसी है, स्पोर्ट्स मेडिसिन के लिए 2 वैकेंसी है, एक औरंगाबाद में दूसरी भोपाल में, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना आप यहाँ से देख सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं इसकी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, तो 12 ग्रेड 2 के लिए हैं और ग्रेड 1 के लिए 32 वैकेंसी है, ठीक है। मैसेजर, ये मसाजर होता है मुझे, अब जो ये वैकेंसी है ये मसाजर की वैकेंसी है। मसाज तो सब लोग जानते होंगे, कभी आप जो है ना नाई की दुकान पर जाओ तो बाल काटने के बाद वो मसाज करता है, हालांकि पैसे काफ़ी ज़्यादा ले लेता है वो उसके, तो वो जो मसाजर हैं तो इसमें बालों की मसाज नहीं करनी है, इसके कई और अन्य काम रहेंगे। तो मसाजर की जो पोस्ट है 72 वैकेंसी है, ठीक है, आप यहाँ से डिप्लॉयमेंट देख सकते हैं। इसके बाद फार्मासिस्ट के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं टोटल है 12 वैकेंसी, और आगे देख लेते हैं नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 36 वैकेंसी है, लैब टेक्नीशियन मेडिकल के लिए 12 है, और लैब टेक्नीशियन नॉन मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल में क्या क्या आ जाता है मैं आपको नीचे बताऊँगा, 23 है ग्रेड 2 के लिए, और जो है ना ग्रेड 1 के लिए 2 है, और जो है ना पटियाला में 2, बेंगलोर में 2 है। तो इस तरह ये वैकेंसियों का कुछ मैंने जो बंटवारा था वो मैंने आपको बताया। अब आप अपनी पोस्ट के हिसाब से देख सकते हैं आपकी सैलरी कितनी होगी। इस पोस्ट के लिए आपकी सैलरी 60,000 से 80,000 रुपये प्रति महीने होगी। उम्र सीमा आपकी 45 साल से कम होनी चाहिए। देखिए उम्र सीमा की गणना जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि से की जाएगी, ठीक है, तो ये 45 साल से कम होनी चाहिए। अब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है, या ह्यूमन बायोलॉजी में, और आपका एक्सपीरियंस 1 साल का कम से कम होना चाहिए। डिजरेबल की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ नहीं है, अगर है तो ठीक है आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं ग्रेड 1 के लिए आपकी सैलरी कितनी है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट के लिए आपकी सैलरी 80,000 से 1,00,000 के बीच में, पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए, और आगे देखते हैं। हर पोस्ट के लिए है ये देख सकते हैं, एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट के लिए देख सकते हैं मास्टर डिग्री होनी चाहिए और साथ में एक्सपीरियंस यहाँ कुछ नहीं है, तो सिर्फ जो है ना मास्टर डिग्री जिसके पास है या एमडी है फिजियोलॉजी में, तो वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आगे देख सकते हैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में, और आपकी सैलरी 1,00,000 से 1,50,000 रुपए प्रति महीने होगी। 45 साल से कम उम्र आपकी हो चाहिए और आपके जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं आपको और बताऊँगा,
अब देखिए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग जो है ग्रेड टू के लिए आपकी सैलरी इतनी होने वाली 45 साल से कम होनी चाहिए। मास्टर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होने चाहिए। अब बायोमेसेज के लिए आपके पास 1 से 1.5 लाख सैलरी होनी चाहिए, 45 साल से कम उम्र होनी चाहिए और PhD होल्डर्स आपके होने चाहिए, ठीक है, और एक्सपीरियंस आपके पास में 5 साल का होना चाहिए। इसके बाद आप देखिएगा फिजियोलॉजिस्ट के लिए PhD डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उम्र 45 से कम होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की श्रृंखला में हम बायोकेमिस्ट के लिए देख लेते हैं, 45 साल से कम उम्र होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर लीड के लिए आपके पास में MD और PG आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए और आपकी सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख रुपये प्रति माह के हिसाब से होने वाली है। फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड टू के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 45 साल से कम उम्र, आपकी सैलरी 60,000 से 80,000 रुपये प्रति महीने की होगी। मसाजर के लिए देखिए, अब देखिए मसाजर के लिए क्या होना चाहिए, ये काफ़ी अलग पोस्ट है और इसमें जो है ना वैकेंसीज भी अच्छी थी, 35,000 रुपये प्रति महीने एक सैलरी। इसमें क्या होना चाहिए, कक्षा 12 पास हो और 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस किसके साथ में, राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय किसी भी जो एथलीट है, जो एथलीट कौन होते हैं दौड़ने वाले हैं, आपने इनके साथ में कभी 2 साल का काम किया हो, ठीक है, मसाजर के तौर पर, तो आप इसमें फॉर्म भर कर सकते हो। या फिर आप कक्षा 10 पास हो और आपने 3 साल का, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस विद द नेशनल एंड स्टेट एथलीट, मतलब कि अगर आप कक्षा 10 पास हो तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस, 10 पास हो तो 3 साल का एक्सपीरियंस, कक्षा 12 पास हो तो 2 साल का एक्सपीरियंस नेशनल या स्टेट एथलीट के साथ में आपके पास में होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसके बारे में हमने देख लिया। अब देखते हैं फार्मासिस्ट के लिए, फार्मासिस्ट के लिए आपके पास सैलरी जो है ना 25,000 रुपये प्रति महीने है, 35 साल से कम उम्र के भर सकते हो, डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए, ठीक है, और इसमें नर्सिंग असिस्टेंट में 2 साल का एक्सपीरियंस डिप्लोमा होना चाहिए। लैक्टिंग इन मेडिकल के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी में होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो ये नौकरी है लैब टेक्नीशियन फॉर नॉन मेडिकल लैब्स के लिए 35,000 रुपये सैलरी है, 35 साल से कम उम्र होनी चाहिए, इसमें कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में हो या फिर इलेक्ट्रिकल में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, तो किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपके पास में डिप्लोमा है, 3 साल का है, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, 35,000 रुपये सैलरी आपकी, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन था, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया इस वाली जॉब में, लैब टेक्नीशियन फॉर नॉन मेडिकल के लिए, बाकी सब में कहीं ना कहीं कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके काम की कोई लगी हो तो इसे जो है ना अपना फॉर्म भर दीजिए, एक अच्छी सैलरी के साथ में कुछ दिन आप जॉब कर सकते हैं, फिर आप गवर्नमेंट वगैरह एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हो, इसके साथ में आपको थोड़ी सी सैलरी मिलती रहेगी तो आप अच्छे से और पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है, आप जरूरी चीज़ें ले पाओगे, तो ये चीज़ हो गई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, देखिए आपकी जो नौकरी है ये 2 साल की है, फिर ये आगे 4 साल तक और बढ़ाई जा सकती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अब देखिए उम्र सीमा की बात करें तो 45 साल ये मैक्सिमम उम्र सीमा थी, मैंने आपको बताई थी उम्र सीमा की गणना, आपकी जो फॉर्म भरने की डेट थी आप यहाँ से देख सकते हो, एज ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो जो फॉर्म भरने की डेट है उसी डेट, वही डेट से आपकी उम्र सीमा की गणना की जाएगी, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसके बारे में हमने आपको दे दी। तनख्वाह आपको मंथली जो मैंने आपको बताई वो तनख्वाह मिलेगी, इसके अलावा कोई और बेनिफिट जैसे सरकारी कर्मचारी होता है तो TA DA वगैरह, एकोमोडेशन, रहने का, फ़ोन का, जाने का, अलग चीज़ें, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये चीज़ें आपको नहीं दी जाएंगी, सिर्फ पेमेंट पेमेंट आपको दी जाएगी, ठीक, 30 दिन की आपको छुट्टी भी मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आप देख लीजिए, सिलेक्शन प्रोसीजर में सिर्फ और सिर्फ एक इंटरव्यू है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक इंटरव्यू है, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा, ठीक है, तो एक इंटरव्यू होने वाला है और ये इंटरव्यू बेंगलोर, कोलकाता, पटियाला वगैरह जगहों पर आपका होने वाला है, तो इसके आने जाने का भी कोई आपको खर्चा नहीं दिया जाएगा, तो ये इंटरव्यू की बात हो गई, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं हम, हाउ टू अप्लाई की बात करें, ये इसकी वेबसाइट है, इस पर जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म भर देना है। अब आपको थोड़ा वो बता देते हैं कि कौन कौन से दिन के बीच में आपको फॉर्म भरना है, 1 फरवरी से लगा के 15 फरवरी के बीच में आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भर देना है, ये मैंने आपको वेबसाइट बता ही दी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने सारी मोटी जानकारियाँ पूरी कर दी हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और ये PDF मैं आपको नीचे दे दूंगा। अगर आप देखिए जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको काम क्या करना पड़ेगा तो ये लिखा है, मैं ये सारी PDF आपको नीचे दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा और सारी जानकारी ले लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अगर आपके लाइक है तो आप इसे फॉर्म भरिए और थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए। अब देखिए इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, कोई खास चीज़ तो पूछी नहीं जाएगा, आपने जो सिलेबस पढ़ा, अगर आपने डिप्लोमा से जा रहे हो, PG से जा रहे हो, तो जो आप स्ट्रीम से जा रहे हो बस वही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी इंटरव्यू में।
और अपना हौसला बनाए रखिएगा, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, बाकी नॉलेज तो आपके पास में है ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। हम आपसे मिलते हैं अगले, तब तक के लिए वंदे मातरम।